दीपिका पादुकोण का फैशन गेम हमेशा ऑन पॉइंट रहता है, चाहे किसी फिल्म का प्रमोशन हो या फिर कोई अवार्ड फंक्शन का इवेंट। दीपिका पादुकोण का फैशन और अंदाज हमेशा ही सुर्खियां बटोरता है। लेकिन 67वें फिल्म फेयर अवार्ड नाइट में दीपिका का जो लुक सामने आया वो देख फैंस भी हैरान हैं। सितारों से सजे इस महफिल में जहाँ बाकी एक्ट्रेसेस गाउन साड़ी जैसे स्टाइलिश ड्रेसेस में नजर आईं, वहीं दीपिका पादुकोण ओवरसाइज लॉन्ग शर्ट और बॉयफ्रेंड जींस में जूड़ा बनाए हुए नजर आईं। दिलचस्प ये था कि दीपिका को खुद नहीं पता था कि अपने इस नॉन ग्लैमरस अवतार में उन्हें इस अवार्ड नाइट के स्टेज पर जाना पड़ेगा। लेकिन अब रणवीर सिंह तो रणवीर सिंह है। दरअसल दीपिका इस अवार्ड फंक्शन में पहुंची तो, लेकिन उनकी एंट्री रेड कारपेट पर नहीं हुई, बल्कि वह रणवीर का सपोर्ट करने ही यहाँ आई थी, जबकि रणवीर सिंह इस शो में होस्टिंग करते नजर आए। इसके साथ ही रणवीर ने बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड भी जीता। रणवीर को यह अवार्ड करण जौहर ने दिया। तभी रणवीर बैक स्टेज पर खड़ी अपनी पत्नी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को खींच कर ले आई। रणवीर ने इस पूरे वाक्य की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की। तस्वीरों में साफ है कि दीपिका खुद स्टेज पर आने के लिए तैयार नहीं थी और स्टेज पर अचानक खींचे जाने से वह काफ़ी दंग रह गई। दीपिका पादुकोण को शर्माते हुए आप आसानी से देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।